चला दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में बात होगी। थोड़ा एक बार पूजा वजा हो जाए, जैसे मान लो इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, सही बात है, कोई क्या होता है कॉपी राइट आएगा, रोज उसकी घंटी बजती है। और ये भी कहीं से किसी का म्यूजिक बजवाते हो खुद से तो बजाते नहीं। हमारे पास इस पे खूब सारे सवाल हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन हम करना चाहेंगे। ऐसा करो, एक सिचुएशन लिखो, कंसीडर अ चार्ज क्यू, केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज क्यू दिया है जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अच्छा रहेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन लिखो। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, कोई ऐसा कुछ था, ऐसा एक रीजन था। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर, हमने एक चार्ज क्यू को रखा। ये चार्ज हमारा क्यू है जिसको हमने यहां पर रख दिया। अब इस क्यू चार्ज को किसी भी रैंडम रास्ते से तुम, इसकी शुरुआत का पॉइंट ए है और ये पॉइंट इसका बी है, यहां तुम लेके जाना चाहते हो किसी भी रैंडम रास्ते से। जब ये किसी स्टेट पे होगा, जब इस चार्ज को तुम्हारा टारगेट समझो, सिंपल तुम्हारा टारगेट है इस क्यू को तुम मूव कराना चाहते हो, तुम इसको ए से लेके बी तक लेके जाना चाहते हो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है, इतना कुछ हमारे मन में चलता। जब मैं इस क्यू को ऐसे मूव कराऊंगा तुमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए काम की जहां तक बात आती है, तो अगर मैं यहां से वेक्टर की बात करूंगा, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ऐसी मेरे मन में आ रहा है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता और साथ में मेरे यहां पे कॉस थीटा आता, कॉस थीटा। अब जरा सोच के देखो, मान लो इस इंस्टेंट पे अगर इसकी फोर्स की बात कर लेते हैं, इस पे फोर्स को इधर लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट या फिर कैसे भी कर लो, मान लो इस तरह का कुछ ऐसा बन रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, एक फोर्स कह लो एक डिस्प्लेसमेंट कह लो, कुछ भी हो सकता है। अब कहीं हो सकता है किसी इंस्टेंट पे ये डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स हो। अल्टीमेटली बात ये है, कि कहीं ना कहीं हर जगह पे यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कुछ ना कुछ एंगल तो जरूर होगा। लेकिन एक बात श्योर है, तो जब तुम इसको मूव कराओगे इस तरफ, तो अगर मान लीजिए कि इधर फोर्स है और इधर ही डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो बीच का एंगल कितना होगा? जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में कॉस जीरो क्या होगा? वन। ठीक है, तो अगर किसी कंडीशन में सीधा भी हो सकता, इधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट, तो बीच का एंगल हो गया हमारा जीरो, यानी कि कॉस जीरो। अच्छा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड सब इस तरफ चल रहा था और ऐसी कंडीशन आ गई, हमने कॉस जीरो कर दिया, वन कर दिया, तो इससे तो इस फोर्स के कारण तो ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो हम जब इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कराना चाहते हैं, इसका मतलब हमको एक एक्सटर्नल फोर्स वहां अप्लाई करना होगा जिससे ये चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन रोका जा सके। हम चाहते हैं कि एक्सेलरेशन नहीं हो, पुरानी बातें आपको याद आ रही होगी, हम चाहते हैं एक्सेलरेशन बराबर जीरो रहे। एक्सेलरेशन जीरो कहने का मतलब हम चाहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब हम चाहते हैं कि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है कांस्टेंट रहे। इसके चक्कर में हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। वो फोर्स तुम लगाते हो। इस बात को फटाफट जरा सा लिख दो, अगर ये डायग्राम समझ में नहीं आया, इस पर विशेष लोड देने की आवश्यकता नहीं है। द कंक्लूजन इज कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है और तुम ए से भी किसी भी रैंडम पाथ से जाओगे। देखो ये पाथ किरण मैंने इसलिए दिखाया है कि कोई अगर ऐसे भी लेके जाओ तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वो अपने पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस तरीके की बात हम यहां सोचना चाहते हैं। तो हमने dw किया है, f डॉट dx किया है, f डॉट dx, और इस पे खूब सारे सवाल आते हैं।
बताओ कोई कह सकता है यहाँ फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रखोगे उस पर फोर्स कितना लगता है? उस पर फोर्स लगता है क्यू ई। इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा होता है वहां पे उसको लगेगा क्यू ई। लिखते लिखते सोचते भी रहना। अब तुम चाहते हो एक स्टेशन नहीं हो तो इसी क्यू ई के मैग्नीट्यूड का फोर्स तुमको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग तुमको काम करना पड़ेगा और इस पे सवाल शुरू हो जाएगा। इसके ये मैटर नहीं कर रहा है, बातें मैटर कर रही है कि यहां पे वर्क डन जो हुआ था ये वर्क डन अगर पॉजिटिव है मतलब मैं जो वर्क डन करूंगा डब्ल्यू एक्सटर्नल उस कंडीशन में ये पक्का माइनस ऑफ क्यू ई होगा और माइनस ऑफ क्यू ई और साथ में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्वेश्चन में कुछ न कुछ डाटा दे रखा होगा। मान लो क्वेश्चन ने कहा कि डिस्प्लेसमेंट मेरा डीएक्स है तो ठीक है भाई, अगर डीएक्स डिस्प्लेसमेंट है तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क होगा। ये तुम समझ रहे हो क्या? मेरे ख्याल से समझ रहे हो। एक बार फिर से बात बताऊं, तुमने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया, उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगा है वो फोर्स लगा है क्यू ई, उस क्यू ई फोर्स के कारण ये चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। अब तुम चाहते थे कि कांस्टेंट फोर्स हमको चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो तुमने उसके अगेंस्ट फोर्स लगाया, उस कंडीशन में माइनस ऑफ क्यू ई और इनटू डीएक्स। इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, जब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं तो एक रिलेशन पूछा है कि ये जो डी डब्ल्यू आया है उसको चार्ज से डिवाइड कीजिए और बताइए क्या आएगा। ये जो डी डब्ल्यू आया है इसको चार्ज से डिवाइड कीजिए बताइए क्या। और वो नहीं, मेन बात नहीं बोल पा रहे हैं। जब मैं डी डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय चार्ज करूंगा तो मेरे पास डाटा आया माइनस ऑफ ई इनटू डीएक्स आया है। अब ये डी डब्ल्यू, अगर मान लो डी डब्ल्यू अच्छा नहीं लग रहा तो यहां पे क्या होता, डब्ल्यू होता है यहां पे बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, बात की बात है। अभी तुम सोच के देखो ये कुल मिला के वर्क अपॉन चार्ज ही तो है। हाँ, और वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल। वर्क अपॉन चार्ज पोटेंशियल, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल है तो यहां से पोटेंशियल का रिलेशन निकल के आएगा। और ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से निकल के आता है। खूब सारे सवाल। एक रिलेशन मैं यहां से लिख सकता हूं, जिससे मान लीजिए मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं डीवी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डीएक्स। बताओ क्या ये सही है? डीवी इक्वल्स टू, हम बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे, ध्यान रखना, बोर्ड में थोड़ी लिखना है सुन, हम तो यहां पर रहे न्यूमेरिकल कैसे सोच रहे। तो dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ e इनटू dx, ये इनटू बोले तो डॉट है, ठीक है। अब दो वेक्टर है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए dv हमारा स्केलर, थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा होगा। अब जरा देखना कितना आसान। अब जैसे ही मुझे ये पता हो गया, अब मैं लिमिट पुट करूंगा तो एक यहां लोअर लिमिट एक यहां अपर लिमिट, डिफरेंस निकालूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा ना, तो वो अभी आगे आने की बात है। तो अभी जो बात हुई है उसमें एक रिलेशन हमारे पास निकल के आया, dv equals to minus of e dot dx। इसको यहां लिखता हूं, तरीके से इस बात को समझिए। मेरे पास अब डाटा आया है dv equals to minus of e dot dx। एक फॉर्मूला बस तुम्हारे को ध्यान रखना, एक फॉर्मूला dv equals to minus of e dot dx, ठीक है ना? अब समझते हैं आगे। अभी तक का कंक्लूजन क्या है? अभी तक का कंक्लूजन यह है, फिर से एक बार रिकैप कराता हूं। जब तुमने किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ क्यू ई फोर्स से एक्सीलरेट कर रहा था, उसमें डिस्प्लेसमेंट डीएक्स हुआ था, उस फोर्स के कारण उसमें एक्सीलरेशन होता जो तुम नहीं चाहते थे, तो तुमने उसके अगेंस्ट फोर्स लगाया, कितना फोर्स, उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर। वहां से जब वो फोर्स लगाया है तो तुमने जो वर्क डन किया था वो वर्क डन यहां पे निकल के आ गया माइनस क्यू ई इंटू डीएक्स। तुमने उसी वर्क डन में उस चार्ज से डिवाइड कर दिया, तुमको पोटेंशियल मिला और वो पोटेंशियल का नाम तुमने डीवी दिया और डीवी इक्वल्स टू ई डॉट डीएक्स तुम्हारा निकल के आ गया। इतना तक तो ठीक है, सही है। अब यहां से मेन तो कहानी यहां से शुरू हो जाती है। क्वेश्चन आता है तो वो डीवी में ज्यादा फेमस पता क्या है, यहां से देखो कैसे वो लिखा रहता है, तुमको डीवी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर रहता है ना, और इसी को दूसरे स्टाइल में वो लिख के देते हैं E equals to minus dv by dr। दोनों एक ही है,
शुरुआत यहां से हुई है, आया यहां से। हाँ याद रहता है, पता है ज्यादा याद कौन रहता है, ज्यादा ये याद नहीं रहता। अब लेकिन आया ये यहां से, तो तुम समझ ऐसे नहीं, ये फालतू है, इस पे सवाल है भरपूर। अभी आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, आइए अब जरा सीखते हैं कैसे कैसे बात बनती है, न्यूमेरिकल करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात होने वाली है, थोड़ा सीखते हैं। पार्शियल डिफरेंसेस, अब देखिए यहां से तीन चीजें निकल के आएंगी, यहां से चीजें निकल के आएंगे, थोड़ा नीचे ही लिख देता हूं, चाहे चलो ऊपर लिख देता हूं, ये तुम लिख लो, मैं लिखता हूं, मैं इधर ही लिखूंगा साफ साफ, बिठाओ क्या। चलिए मेरे पास रिलेशन आया E=-dB/dr, मुझे E को टुकड़ों में निकालना पड़ेगा, तो मैं पहले Ex निकालूंगा, तो माइनस का डेल बी बाय डेल एक्स, ये जब तुम करोगे दिस इज कॉल्ड पार्शियल, डोप भी बोलते हैं, डोप बी बाय डोप एक्स, ठीक है, आता तो है आपको, वर्क ऑफ एनर्जी में पढ़ते हैं, वहां पे क्या पढ़ते हैं, फोर्स निकालते हो ना, माइनस का डी यू बाय डी आर, वही तो है। अच्छा अब जरा देखो, वहां पे यू कौन था, पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे पोटेंशियल था। जब तुम किसी चीज को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y और z वाला कांस्टेंट होगा, तो इस कंडीशन में ध्यान देना मेन बात, y z हमारा कांस्टेंट होगा। और तुमको बताओ प्रीवियस ईयर तुम पलट के देख लेना, कम से कम लास्ट 10 ईयर में 7 सवाल तो मिल जाएंगे आपको, से घुमा फिरा के इतने सवाल आते हैं, तो ex तुम्हारा ऐसे नहीं है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा ey निकालूंगा, डेल v अपॉन डेल, लेकिन जब मैं इसको बोल रहा हूंगा तो y के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो बचा कौन, x और z, तो x और z हमारा कांस्टेंट है। अब उसके बाद मैं बात करूंगा ez की, तो माइनस ऑफ डेल v बाय डेल z बोल दो, उस कंडीशन में जो तुम्हारा x और y है उसको कांस्टेंट लिया है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। और आज मजा आ गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या है कि जब x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y और z कांस्टेंट होगा, और जब y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x और z, और जब z करूंगा तो x और y, और इतने ही अपने को समझ में आना चाहिए। मजा क्यों आ गया, थोड़ी देर में तुमको समझ में आएगा क्यों मजा आ गया। चलिए साथ साथ लिख रहे हैं, एक सवाल करते हैं, एक सवाल क्वेश्चन आपको लिखाना चाहिए, मेरे पास एक सवाल है, लिखाऊंगा आपको, पहले मुझे सवाल लिखना से पहले एक बात बता दो, ऐसा तुम कब सोचोगे, ऐसा कब सोचोगे, जब v x y z का फंक्शन हो, लिख लीजिए इसको, जब v x y z का फंक्शन, x y z का फंक्शन, तो उस कंडीशन में हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन सोचना है। जैसे एक सवाल लेते हैं, अच्छा सा सवाल लेते हैं, अच्छा सर देखिए मेरे पास एक इक्वेशन है v = 6x, तुम्हारे वॉल्यूम का डाटा ले रहा हूं, 6x -8xy² और साथ में बोला -8y + 6yz, ये सब हर साल पूछते हैं बच्चे, इसलिए वही डाटा ले रहा, -4z² दिस इज द वैल्यू ऑफ बी गिवन, ये बी गिवन इतना, ठीक है। अब ये बी गिवन है, अब सवाल सुनिएगा, बी लिख लिया, अब सवाल सुनो, कह रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है एक्टिंग ऑन टू कूलम चार्ज, जो दो कूलम चार्ज पे लग रहा हो,
फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है जो दो कूलम चार्ज पे लग रहा हो, विच इज सिचुएटेड एट ओरिजिन, जो कि ओरिजिन पर है, विच इज सिचुएटेड एट ओरिजिन, जो कि ओरिजिन पर है, विच इज सिचुएटेड एट ओरिजिन, जो कि ओरिजिन पर है, मतलब बातें हैं ओरिजिन पे होंगी। ये कहानी इसने कही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका इस तरीके से दे दिया और सब कुछ ठीक है, आपको बताना है कि उस पे फोर्स कितना लगा, फोर्स कितना लगा। थोड़ा तुमको थॉट बताता हूं, जिनको आता अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, बाकी लोग मेरे साथ करिए। एफ इक्वल्स टू क्यू ई होता है, अगर अच्छा बच्चा लिखे तो एफ इक्वल्स टू एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इनटू ई वेक्टर लिखना चाहिए। अच्छा, ये जो ई वेक्टर है, अगर मैं इस ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, तो अंडर रूट मुझे लिखना पड़ेगा ई के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ई के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ई के जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। ये बात होगी क्या? क्योंकि ई वेक्टर के अंदर तीन लोग होंगे, ई एक्स होगा, ई वाई होगा, ई जेड होगा। सिंपली एफ के मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या लिखोगे? क्यू इन टू ई। तुमसे ये पूछा। अब स्टेप तुम्हारे सामने क्लियर है कि तुमको ई तो चाहिए लेकिन टुकड़ों में चाहिए, ई का एक्स कंपोनेंट भी चाहिए होगा, ई का वाई। कैसे पता चला? मैंने कहा था जब वी हमारा एक्स वाई जेड का फंक्शन, क्वेश्चन देखो एक्स वाई जेड भड़बड़ गए हैं इसके अंदर। तो उस कंडीशन में जब एक्स वाई जेड अपने को दे रखा है तो एक्स वाई जेड, तो आपको सबसे पहले ई एक्स निकालना होगा, फिर ई वाई और ई जेड निकालना होगा। और ये सब कब निकालना होगा? जब बात ओरिजिन पे हो रही हो, ओरिजिन की बात है, ओरिजिन की, ओरिजिन की। गलती मत कीजिएगा, दो से तीन मिनट का समय ले सकते हैं। बीस, बिल्कुल सही जवाब, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। आराम से करिए। देखो आना होगा तो यही एक सवाल अगर आएगा तो इसमें हड़बड़ करके गलत करने से कोई मतलब नहीं, इसलिए किसी किसी सवाल में समय लगता है और ये सवाल समय लेगा भी, इसमें कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं, ये लेगा क्वेश्चन, टाइम लेगा। 20 आएगा। देखिए मैं टुकड़ों में करता हूं, सबसे पहले मैं ई एक्स निकालूंगा, ई एक्स जैसे में निकालूंगा तो मैं लिखूंगा माइनस का डेल बी बाय डेल एक्स। मतलब जब मैं ऐसा सोचूंगा तो मेरे मन में होगा कि ये मैं तभी लगाऊंगा जब वाई और जेड मेरा कांस्टेंट होगा, वाई और जेड मेरा कांस्टेंट होगा, ठीक है भाई। अब देखिए मैं ई एक्स लिख रहा हूं, ई एक्स लिख रहा हूं, सबसे पहले ई एक्स लिखूंगा, माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। अब आइए रेड पेन से बात करते हैं, चलिए ई एक्स की बात हो रही है, 6x, यानी कि 6 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, सही है, माइनस। अब 8x, अब देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसको डिफरेंशिएशन, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालोगे, तो माइनस का 8y² बाहर निकालोगे, x का डिफरेंशिएशन 1, डन। अब माइनस, अब देखो 8 इसमें y और z तुमको कांस्टेंट लेना है, यानी कि ये कांस्टेंट हो गया, वाई और जेड ये भी कांस्टेंट हो गया, इधर पूरा कांस्टेंट हो गया, देखो यानी कि माइनस का 8y, अरे तो जीरो हो रहा है, 8 तो पहले से ही कांस्टेंट है और अपने को वाई जेड कांस्टेंट, तो देखो भैया ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, मानते हो ना? 3 बार 0, तो 0। अब 3 बार 0 क्यों लिखूं? 0, समझ गए? अच्छा नहीं, मैं तो लिख दूंगा 0, 0 प्लस माइनस 0, चलिए ऐसा हो गया। अब अच्छा सोचो, ई एक्स बराबर लिखा हुआ है माइनस ऑफ, ये रहा 6, माइनस 8y² आया। अब अच्छा सोचिए, इसने कहा है ओरिजिन, इसने बोला है ओरिजिन, ओरिजिन पे तुमको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो जाए तभी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस चार्ज से गुना करोगे तो फोर्स आएगा। ई तो तुमको चाहिए लेकिन ये सब कुछ तुमको फाइंड करना है एट ओरिजिन, एट ओरिजिन फाइंड। अच्छा ठीक है, ओरिजिन कहने का मतलब सीधा है x भी 0, y भी 0, z भी 0।
अब यहाँ पे y है, इस पे जीरो पुट करो तो ex की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ सिक्स। ये तो हुआ, तो ex की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गया मेरे पास माइनस ऑफ सिक्स। तो ex बचा कर रख लीजिए, ex बचा कर रख लीजिए, तो मेरे पास भाई साहब ex आ गया माइनस ऑफ सिक्स। सही है, मिटाऊं क्या ex, साथ साथ कर रहे होंगे उम्मीद करता हूं। चलिए मिटाता हूं, अब आता हूं ey के ऊपर, ey के ऊपर जैसे मैं ey की बात करूंगा मेरे मन में आएगा माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल वाई। चलिए माइनस लगा लेते हैं, और अंदर में y के रिस्पेक्ट में बात हो रही है भाई, y के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसका मतलब यहां पे x एंड z कांस्टेंट होगा। जरा छांट लो, x और z ये सब कांस्टेंट, x और z मतलब ये कांस्टेंट, अब ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, अब उसके बाद ये पूरा कांस्टेंट, मानते हो। चलो अब ये 6x वाला ये क्या बन गया, 0 माइनस। y के रिस्पेक्ट में करना है तो 8x को बाहर कर लीजिए, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। अब चलिए माइनस 8 बाहर करिए, y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस। अब यहां देखो 6 और z है, यहां लिखता हूं देखो 6 और z ये कांस्टेंट आएगा, बाहर कर लीजिए, y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0। बोलो सही है क्या। अब जरा इसको अरेंज कर दो, तो ey इक्वल्स टू आया माइनस ऑफ, ये देखिए ये क्या बन गया हमारा 16xy, तो माइनस ऑफ 16xy और ये माइनस ऑफ 8 और ये प्लस आ गया मेरे पास 6z। लेकिन इसने बोला इतनी लोड क्यों ले रहे हो, मैं तो बात कर रहा ओरिजिन की, तो ओरिजिन का मतलब तुम्हारे पास x भी 0, y भी 0 और z भी 0, x को भी 0, y को भी 0, z को भी 0। तो आराम से देखो तुम यहां से ey की बात जब करोगे तो ये आएगा माइनस ऑफ, ये पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 माइनस 8 और ये प्लस 0, ये ey कितना आया देखो, हाँ ey इक्वल टू प्लस का 8 आया। ठीक है भाई, तो ey निकाल लिया हमने, ey इक्वल टू प्लस का 8। अभी और है, अभी एक बार और है बस। ऐसे सवाल भर भर के खूब सारे, देखो कब कब आया था, 2014 में दिख रहा है, 15 में दिख रहा है, 9 में दिख रहा है, 11 में दिख रहा है, 20 में दिख रहा है, फिर उसके बाद से फिर लेटेस्ट सवाल देखिएगा तो ये कौन है, आप आगे का देख रहे हैं 21-22 में कभी कोई पूछ लिया हो। बोलिए या तो ठीक है अभी जेड भी कर ही देते, मिटाओ 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 चलिए एक बार ez की बात कर लेते हैं। ez मतलब डेल v अपॉन डेल z की बात होगी, और इस समय मेरा x एंड y ये दोनों जो होंगे वो होंगे कांस्टेंट। चलिए अब हम ez निकालना चाहते हैं, इक्वल्स टू माइनस पहले निकाल लिया, अब x और y दोनों कांस्टेंट है तो ये रहा x, कितना हो गया ये 0 माइनस माइनस। अब जरा सोच के देखना, x और y दोनों कांस्टेंट है तो ये फिर से 0 माइनस, देखना x और y दोनों कांस्टेंट है 0 प्लस, x और y दोनों कांस्टेंट है तो 6y बाहर कर लोगे, z का डिफरेंशिएशन 1 होगा, माइनस 4 बाहर कर लोगे और यहां पे क्या पड़ा हुआ है z स्क्वायर, कितना होगा डिफरेंशिएशन, हां अरे 2z, वो 0 बोला था अब पूरा बात का बोले तो भाई मैं मुंह ढूंढ रहा हूं कि जीरो कहां है, टू और जेड एक जैसा लग रहा था, टू जेड खट खट खट, टू और जेड अलग अलग। चलिए पूरी कहानी इसकी ऐसी है, तो ई जेड की बात करिए, अरे सब खत्म हो गया है तो ओरिजिन की बात है,
ये तो ओरिजिन की बात है, अब ये बात हो रही थी ओरिजिन की, तो जहां जहां एक्स वाई जेड है वहां वहां जीरो, वाई है जीरो, ये क्या बन गया जीरो, तो ई जेड मेरा जीरो, ई जेड मेरा जीरो। अब हो गया, अब जैसे ही इतना काम हो गया, अब तुमको ई चाहिए, ई का मैग्नीट्यूड चाहिए, ई का मैग्नीट्यूड चाहिए, आगे दो दो मिटा दो, ई का मैग्नीट्यूड, चलो तो ई का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ई का मैग्नीट्यूड भाई साहब ऐसे निकल गया अंडर रूट, इधर से माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर प्लस जीरो, मतलब e कितना आ गया बताओ, 10 आ गया, 3664 10 आ गया भाई, 10, तो 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब काम खत्म, किसने पूछा फोर्स बताओ, फोर्स बराबर QE होता है, Q बोले तो 2, E बोले तो 10, बोले तो 20, वो भी न्यूटन, लेकिन लाने में काम करना पड़ेगा, ऐसे होगी बात, सही है। अब बाकी जो सवाल है वो तुम करना, क्योंकि बाकी सब अब इससे छोटे हैं, तो होमवर्क में आप साल लिख लीजिए, सवाल तो ढूंढ ही लोगे, कौन कौन साल वाला कर लीजिए, होमवर्क लिख लीजिए, AIPMT 2014 करिएगा, 2014 वो तो हमने कर ही लिया, अभी वही किया है, नहीं वो थोड़ा सा अलग है, हाँ थोड़ा सा अलग है, 14 कर लीजिएगा, फिर 15 भी करिएगा, और 2009 का कर लीजिएगा, और उसके बाद 2011 कर लीजिएगा, उसके बाद हो जाए तो 2020 करिएगा और छोड़ दीजिएगा। कुल मिला के बात यह है कि अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा है कि किस तरीके से, अभी देखो अभी तक के लेक्चर का कंक्लूजन बताता हूं, अभी तक क्या हुआ, अभी तक कुल मिला के, जैसे अभी कितनी देर से हम अभी भाषण कर रहे हैं, लगभग आधा घंटा ज्यादा हो गया होगा, ठीक है, 27 मिनट का भाषण जो चला है, इस भाषण का अगर तुमसे कोई कंक्लूजन पूछे, तो कंक्लूजन ये है कि मैं उसको बताऊंगा कि भाई साहब जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और जो मेरा पोटेंशियल हो वो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो, तब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच अगर रिलेशन पूछा जाए तो मैं उसको बोल सकता हूं E = -dV/dr, लेकिन वहां पे मुझे E को हर एक्सिस वाइज फाइंड करना पड़ेगा, क्यों, तो बिकॉज ये भी कभी एक्स का फंक्शन है, कभी वाई का, कभी जेड का, कभी तीनों का, कभी दो का, तो आपको इंडिविजुअली ईएक्स ईवाई और ईजेड फाइंड करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो माइनस का डेल वी अपॉन डेल, ये है तो डिफरेंशिएशन वाला ही, बस इसका लिखने का आज चूंकि एक्सिस वाइज है तो सिंबल थोड़ा बदल गया, पूरा करते थे तो क्या बोलते थे D/D बोलते थे ना, अभी डेल बाई डेल बोल देते हैं। अब इसको जब तुम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट है, ये लिखना होगा, और जब वाई करोगे तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट है, और जब जेड करोगे तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, अब माइनस लगाना मत भूलना नहीं तो खेल वहीं पे खत्म। तो पहले माइनस देखो, हर बार मैंने पहले माइनस रखा था और उसके बाद डिफरेंशिएट किया था, तो माइनस बाहर रखिएगा ताकि मल्टीप्लाई करके सही आंसर आए, और वहां से ईएक्स ईवाई ईजेड आ गया, नेट की पूछेगा सबको अंडर रूट में स्क्वायर करके जोड़ दोगे, अब बस उसके बाद जो पूछे तुम निकाल दोगे। तो ये अभी तक के लेक्चर का कंक्लूजन है, थोड़ा सा सांस ले लीजिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।